नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीपी न्यूज। नांदेड़ चुनाव में भाजपा की करारी हार के मद्देनजर भाजपा प्रवक्ता श्रीमती श्वेता सालिनी व निष्कासित बीजेपी नेता श्री प्रवीण जेठेवार के बीच हुई बातों के कुछ अंश ये है। श्री प्रवीण जेठेवार, निष्कासित बीजेपी नेता, नांदेड़ महाराष्ट्र। निकाले जाने के बाद इन्होंने शिवसेना का दामन थामा। श्रीमती श्वेता सालिनी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। हेलो श्वेता जी, नांदेड़ से प्रवीण बात कर रहा हूँ, जेठेवाड़। जी प्रवीण जी बोलिए। कुछ नहीं श्वेता जी, बीजेपी की खाली एक सीट आई है नांदेड़ में। क्या करूँ मैं अब, आप लोग बीजेपी के साथ बेहतर ऐसा करेंगे तो फिर क्या करेंगे? बीजेपी के साथ नहीं, ये मैंने 15 दिन पहले कहा था तो मुझे ही बीजेपी से निकाल दिया 6 साल के लिए। मैं मुख्यमंत्री मित्र पर था, मेरी जिम्मेदारी थी पक्ष को आगाह करने की कि शिवसेना के प्रताप पाटिल चिखलीकर इनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी मत दीजिए, वो आदमी गद्दार है, पूरी बीजेपी को सुला देगा। 74 कैंडिडेट उसने कांग्रेस और शिवसेना के लाके बीजेपी के 20-20 साल के जो काम करने वाले कार्यकर्ते थे उनका गला घोट दिया उसने। और ऐसे लोगों को तुम बीजेपी की, अरे आप लोगों ने नहीं, आपने बर्बाद कर दिया नांदेड़ में बीजेपी में। शालिनी जी सुनिए, आप मेरी बात सुनने सुन के लेना जरूरी, आप प्रवक्ता है। मैं आपको इतने 20 दिन आपने पार्टी को कार्यकर्ताओं का गला घोट दिया, आपने 20-20 साल से पार्टी में जो काम कर रहे कार्यकर्ते उनको बर्बाद कर दिया। और आप सुनिए, आप सुनना जरूरी है ना आपको। आपने फोन किया तो आप मेरी बात सुनेंगे कि आप नहीं? आपने क्यों निकाला हमें? मैं आपको जो बोलते सुनेंगे प्लीज। ठीक है बोलिए, आप सुन लीजिए उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगी। देखिए, पक्ष ने यदि गलत काम किया है तो पक्ष को उसकी सजा मिल गई है। रिजल्ट आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है, लेकिन इसका फायदा ना आपको होने वाला है ना हमें होने वाला है। आप जैसे लोग यदि आप ठीक से रहते तो शायद हम, अरे हमें टिकट ही नहीं मिला ना, हमें उम्मीदवारी नहीं मिली ना पेपर में जाएंगे। अरे अरे हमें उम्मीदवारी, अरे हमारे जैसे 70, अरे हमें हमारे जैसे 74 लोगों को उम्मीदवारी नहीं दी ना। अरे तुम सुनो ना मेरी बात शालिनी जी, तुम जिन जो पार्टी का मेंबर नहीं है उसको आप उम्मीदवारी देते हैं और बोलेंगे पार्टी का काम करो। आज 25 करोड़ रुपए आपने डाले और एक सीट लाए। अब आप मेरी बात तो सुनेंगे नहीं तो मैं 25 करोड़ में एक सीट, एक सीट तो अब आप बोलिए और उसकी बात। मैडम आप बोलिए, आप बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा, एक कार्यकर्ताओं को आपको बात करनी पड़ेगी। हमने हमारा 100% दिया था। हाँ आप देखिए, ऐसा है यदि पक्ष कोई गलत काम करे तो हम तो पक्ष की गद्दारी, पक्ष पे गद्दारी नहीं करेंगे ना। किया ना आपने गद्दारी, आपने किया ना, एक मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को आपने जो है मेरी बात सुने सिवा मुझे आप कार्रवाई की मेरे पर, आपने मेरी बात सुने सिवा मुझे डायरेक्ट तुम मुख्यमंत्री मित्र से निकाल दिए। आज आपका एक ही सीट आई आपकी, आप क्यों नहीं पार्टी छोड़ के निकल जाते आप? इसका दायित्व स्वीकार है और आप पार्टी छोड़ दिए, राजीनामा दीजिए, या जिसने पार्टी का नुकसान किया वो लोगों का राजीनामा आप ले लीजिए, दोनों में से एक काम करे ना। प्रवीण जेठेवार यहाँ के जो जिलाध्यक्ष जो है, जिसने प्रवीण जेठेवार का टिकट निकाला, आज मैं चिल्ला के बोल रहा था, पहला व्यक्ति था मैं पार्टी में, एक ही सामने आया था, बाकी कोई डेरिंग नहीं किया था, मैंने ही अकेला डेरिंग किया था कि बाबा ये गलत हो रहा है पार्टी में, गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। टाइम था, 4 दिन टाइम थे, वो प्रवीण क्या बोल रहा है सुनो उसकी बात, एक फोन नहीं कर सकते थे आप? आपने डायरेक्ट मुझे उकाड़ के फेंक दिया। मैंने क्यों करूं, मैंने आपको, मैं नांदेड़ गई थी, मैंने आपको बुलाया था मिलने के लिए, आप आए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ थे? आप किन्नौर चले गए थे, आप किन्नौर चले गए थे, आप किन्नौर थे, आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं, आप किन्नौर थे, फिर आप मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? नहीं क्यों नहीं, आपका दायित्व है, आप पार्टी आपके ऊपर पैसा खर्चा करती है मैडम, पार्टी आपके ऊपर पैसा खर्चा करती है, आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए, पार्टी का क्यों नुकसान?
आप जो है उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए या आप इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है, अभी आपको बोल दिया नहीं, आपका आपको दायित्व स्वीकारना पड़ेगा कि नहीं। अब आप मुझसे आके मिलिए, सामने सामने बात करेंगे। हाँ, सामने सामने बात करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना बोलना है कि प्रताप पाटिल चिखलीकर ने सीएम साहब के पीठ पर खंजर खुपसा है, पार्टी का पैसा गया, पार्टी की इज्जत चली गई, ऐसे प्रताप पाटिल चिखलीकर से दूर रहने का काम उन्होंने करना चाहिए। श्याम सुंदर शिंदे के खिलाफ गुना दाखिल है, ईडी की तपास भी चालू है, ये भी मैं लास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इज्जत करता हूँ देवेंद्र फडणवीस की, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। श्याम सुंदर शिंदे, हाँ हाँ, तो आप देखिए, तो आप पक्ष के साथ रहते, तो पक्ष ने निकाल दिया ना मुझे, मैं पक्ष के साथ ही था, सेना में चले गए। नहीं नहीं नहीं, पक्ष ने निकाला, निकालने के बाद मैं पक्ष के साथ कैसे रहूँ? पक्ष ने निकालने के बाद सेना में गया हूँ, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, मिलने आइए, मैंने आपको बुलाया था नांदेड़ में, आप आए नहीं। नहीं नहीं, आप किन्नौर चले गए थे, यदि मुझे कुछ काम है, बिल्कुल नहीं, आप किन्नौर चले गए थे, पार्टी का नुकसान किया है आपने, आप लोगों ने पार्टी को बेच दिया कांग्रेस को, क्यों नहीं हम झगड़े करेंगे आपसे? ऊपर वाले नहीं, आप ही ऊपर वाले, आप प्रवक्ता है ना, आप प्रवक्ता है, प्रताप पाटिल चिखलीकर को क्यों बेचा आपने? एक शिवसेना का आदमी भारतीय जनता पार्टी चलाएगा? कम से कम हम आपने जो 74 नहीं नहीं, आपने निकालने के बाद मैं कहाँ जाऊँ? हिंदुत्व नहीं, वो हिंदुत्व छोड़ दूँ, मुझे आपने निकालने के बाद तो क्या मैं, मुझे मैं छह साल मैं घर पर बैठू, मैं 6 साल घर पर बैठो, आपने तो कांग्रेस वालों को टिकट दिया, गद्दारों को टिकट दिया, हमारे पास हाँ बुराई देने के लिए कौन, मैं कुछ बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, आपने कहा टाइम दिया था, हमें आपने कहा टाइम दिया, आपने तो निकाल दिया, आपको पैसे की, आपको पैसे की इतनी गुर्मी थी, आप अभी आपको दुनिया में कोई नहीं जारी की है, शिवसेना ने आपको बड़ा किया, महाराष्ट्र में शिवसेना ने बड़ा किया, शिवसेना के पीठ पे खंजर खुपस दिया और खुद के पीठ में भी खंजर खुपस लिया, ये कब तक चलेगा? ये खत्म कीजिए, सेना और बीजेपी एक हो जाइए।